इट्स जून 18 पेपर 1-2. डायग्राम इज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर 60 सेकेंड्स ऑफ अ ट्रेन जर्नी. एट द बिगनिंग ऑफ दिस पार्ट ऑफ द जर्नी द ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट यू मीटर्स पर सेकेंड. द डिसेलरेशन फॉर द लास्ट 10 सेकेंड. डिसेलरेशन मतलब राइज अपॉन रन. तो राइज हमारे पास यू का है और रन हमारे पास 60 - 50 दैट इज 10 का आ गया. तो पहले का आंसर यू अपॉन 10. द स्पीड वेन टी इक्वल टू 55. जब 55 है तो स्पीड क्या है मैंने उसको एक्स कर दिया, मुझे नहीं मालूम अभी, ठीक है. लेकिन हमें यह पता है कि लाइन का ग्रेडियंट क्या है, वो है यू अपॉन 10. तो हम राइज अपॉन रन से ही निकालेंगे. तो यू अपॉन 10 इक्वल टू राइज इज वॉट एक्स एंड रन इज वॉट 60 - 55. तो ये हमारे पास रन आ गया 5 का, ठीक है. तो हमने इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया, u अपॉन 10 इक्वल टू एक्स अपॉन 5. तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास u अपॉन 2. द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दीज 60 सेकेंड्स. अब आपने डिस्टेंस निकालना है तो एरिया अंडर द कर्व. सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 50 टाइम्स u और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ बेस इन टू हाइट. बेस कितनी आ गई 10 और हाइट आ गई हमारे पास u की. तो आपने सिंप्लीफाई किया इसको तो ये आपका इसका आंसर आ गया. इट्स जून 18 पेपर 1-1. स्पीड टाइम ग्राफ हमारे पास है. डिस्क्राइब फुली द मोशन ऑफ द कार रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द लाइन ए बी बी सी सी डी ऑन द ग्राफ. ए बी आपके लिए किया है, ए बी के बारे में क्या बताया, एक्सेलरेट्स फॉर फर्स्ट 20 सेकेंड्स एट 0.9. तो आपको एक्सेलरेशन भी बताना है किस रेट पर हो रही है और टाइम बताना है, ठीक है ना. तो यही हम फॉलो करेंगे. अगर हम बी और सी की बात करते होंगे, नेक्स्ट उसमें हमसे बी सी का पूछा है, तो ये कॉन्स्टेंट स्पीड है. कितनी कॉन्स्टेंट स्पीड है, 18 मीटर पर सेकेंड की है और कितने टाइम तक की है, तो ये 20 से लेके जा रही है 70. इसका मतलब 50 सेकेंड्स की हमारे पास कॉन्स्टेंट स्पीड है. तो ये पूरा ऐसे ही डिस्क्राइब होगा क्योंकि आपको डमी एक्टिविटी में उसका मैग्नीट्यूड बताना है और उसका टाइम बताना है. तो यही काम आपने करना है बाकी दो के लिए भी. अगर हम सी और डी की बात करते हैं तो सी और डी हमारे पास एक डीसेलरेशन हो रही है, ठीक है. डीसेलरेशन रिटार्डेशन हो रही है. राइज अपॉन रन किया तो राइज हमारे पास 18 है, रन आपके पास 85 - 70 दैट इज 15 है. तो आप इसकी एक्सेलरेशन निकालोगे, राइज अपॉन रन दैट इज 1.2. तो डीसेलरेट्स एट -1.2 फॉर 15 सेकेंड्स में ये रेस्ट हो गई, ठीक है. फाइंड द टोटल डिस्टेंस. तो टोटल डिस्टेंस के लिए आपने एरिया अंडर द कर्व निकालना है. शेप्स क्या क्या बन रहे हैं, एक हमारे पास ट्राइंगल, उसके बाद मिडिल में हमारे पास रेक्टेंगल और एंड पे हमारे पास फिर ट्राइंगल. तो पहले ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट. बेस इज 20, हाइट इज 18. एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या रहेगा, बेस कितनी है 50, दैट इज 70 - 20 और हाइट हमारे पास 18. और लास्ट वाले ट्राइंगल में बेस क्या है हमारे पास 15 और हाइट क्या है हमारे पास 18. तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए. यही काम यहां वर्किंग में किया हुआ है. टोटल किया आंसर आ गया 1215. ये डिस्टेंस आ गया.